आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी बैठक में नहीं होंगे शामिल। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की जो अहम बैठक होने वाली है उसमें आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी शामिल नहीं होंगे, पारिवारिक कार्यक्रमों की वजह से नहीं हो पाएंगे शामिल। जयंत ने नीतीश को बैठक की सफलता के लिए दी है शुभकामनाएं, हालांकि जानकारी दी कि वो बैठक का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की अहम बैठक, बड़ी जानकारी इस वक्त की, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी बैठक में नहीं होंगे शामिल। इसी पारिवारिक कार्यक्रम के चलते इस बैठक का वो हिस्सा नहीं बन पाएंगे। प्रणवीर पांडे हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रणवीर, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी बैठक का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, जरा बताएं कि क्या कारण सामने आ रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको बता दें कि 23 तारीख को यानी कि परसों जिस तरीके से 20 विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है उससे जयंत चौधरी ने पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से वहां पर शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर बात करें जयंत चौधरी की सम्मिलित ना होने की तो वो पश्चिम के बहुत जो किसानों के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष लगातार एकजुट होकर के 2024 में जो मोदी की जो लगातार जो जीत का जो वेग है उसको रोकने के लिए जिस तरीके से रणनीति बना रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जयंत चौधरी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना शुभकामना संदेश दे दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार को उन्होंने कहा है कि भले हम नहीं पहुंच पा रहे हैं लेकिन हम लगातार पार्टी के साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें विपक्ष की तो विपक्ष जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश में नरेंद्र मोदी की 2024 की को लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं उसको प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो गैर विपक्षी दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी भी को भारतीय अपना प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो विपक्ष सारा एक हो रहा है उसमें वो सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। अब देखने वाली सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये कितना असर करता है, कहीं ये कोई बहाना तो नहीं है जयंत चौधरी का किसी भी प्रकार से, लेकिन जो सूत्रों के अनुसार जो खबर मिल रही है उसमें पारिवारिक जो कार्यक्रम लगा हुआ है उसके कारण वो सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उनका सम्मिलित ना होना और उसके बाद लगातार जिस तरीके से बैठकें चल रही है, बैठकों का दौर चलना, उसके बाद क्या निकल करके आता है, क्या पार्टियां वहां पर अपना अपना विचार रखती है, कौन कौन से प्रस्ताव रखे जाते हैं, क्या रणवीर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो है क्या वो रवाना हो चुके हैं इस बैठक के लिए, और किस प्रकार से देखें कितने और दल इस बैठक का हिस्सा बनेंगे? निश्चित तौर पर लगभग 20-25 दल जो है एक साथ बैठक करेंगे, और वहां बैठक करने के बाद ये रणनीति तय होगी कि किस प्रकार से 2024 में जीत की आगाज है, जो जीत का लगातार जो क्रम चलता चला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे 2017 से लेकर के 2014 के चुनाव की अगर बात करें तो 2014 के चुनाव, 2017 का चुनाव, 19 का चुनाव और फिर 22 का चुनाव भी लगातार चुनाव होते चले जा रहे हैं, और इसके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सफलता हासिल करती चली जा रही है, इसको लेकर के विपक्ष एकदम आकाश है। उन्होंने कहीं ना कहीं 2024 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहती है तो विपक्ष यही गैर मोदी सरकार के लिए स्थापित करना चाहती है। अब उस पर किस प्रकार की रणनीति होगी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे आरएलडी हो, किस तरीके से अपनी भूमिका निभाते हैं, कहाँ कहाँ अपनी पैठ गर्जित करते हैं, ये तो आने वाला समय बताएंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पश्चिम के जो जिले हैं उसमें जयंत चौधरी का खाता पकड़ है, जयंत चौधरी जो किसानों के नेता माने जाते हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ जयंत चौधरी का बहुत ही अच्छा और मजबूत अपना पैठ है जी। चलिए बहुत शुक्रिया प्रणवीर, बने रहे हमारे साथ, आगे भी कुछ और खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। एक और बड़ी जानकारी लखनऊ